गाइस, वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, राइट। तो ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है, ये स्पेसिफिकली हम लोग कौन से एनवायरनमेंट में करते हैं? एवरीवन, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम लोग कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? सोसाइटी एनवायरनमेंट, एसआईटी एसआईटी। एनवायरनमेंट में, राइट। एवरीवन, बिफोर वी स्टार्टेड दिस, हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज स्पेसिफिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये जो परफॉर्म होता है, दिस इज परफॉर्म्ड बाय अ टेस्टर्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड बाय टेस्टर्स, राइट। ये टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एसआईटी एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है, विच इज नथिंग बट सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एसआईटी। गाइस, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बीइंग टेस्टर, हमारे लिए जो एनवायरनमेंट होता है, टेस्ट एनवायरनमेंट जो होता है, वो एसआईटी एनवायरनमेंट होता है, जिसको बोला जाता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, एंड गाइस, इस एसआईटी के साथ एक और एनवायरनमेंट होता है, जिसको बोला जाता है यूएटी। तो दिस इंस्टॉलेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म दिस टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल, दिस टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल, या फिर दिस टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, दिस इज अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, दिस इज परफॉर्म दिस टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन यूएटी एनवायरमेंट। यूएटी को बोला जाता है गाइस यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूएटी का फुल फॉर्म है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूएटी स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये जो गाइस स्पेसिफिकली इंस्टॉलेशन टेस्टिंग है, ये यूएटी में होता है, ये एसआईटी में कभी नहीं होता, ठीक है। और बीइंग टेस्टर हम लोग कभी इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, ये आप लोग याद रखना। ओके, सो दिस टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन अ यूएटी एनवायरमेंट। एसआईटी टेस्टर नेवर परफॉर्म्स इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, ऐसे बोल देता हूँ मैं। एसआईटी टेस्टर कभी भी एसआईटी जो टेस्टर है, हम लोग जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टर जो है, एसआईटी टेस्टर नेवर परफॉर्म्स इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, ये आप लोग याद रखो। अभी सबसे पहले यूएटी क्या होता है और एसआईटी में क्या डिफरेंस है, ये पहले अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो गाइस। समझो, बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एनी एग्जाम्पल गाइस। लेट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मेक माई ट्रिप, ये एप्लीकेशन है। मुझे बताओ, अगर ये जो मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन जो है, ये मेक माई ट्रिप ने बनाया है, इसके जो ओनर है, स्टेक होल्डर है, मेक माई ट्रिप का जो मेक माई ट्रिप की टीम है, इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके पास ये मेक माई ट्रिप बनाने का आइडिया आया होगा। बट मुझे बताओ, क्या मेक माई ट्रिप के पास खुद की अपनी इनिशियली टीम होगी क्या, जो इनको ये एप्लीकेशन बना के देगी? नो राइट, उनके पास शायद नहीं होगी। तो इन्होंने किसी कंपनी को अप्रोच किया होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इन्होंने टीसीएस को अप्रोच किया। इनको पता था टीसीएस या फिर इन्फोसिस कंपनीज या फिर अच्छे अच्छे कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं। तो इन्होंने टीसीएस को अप्रोच किया कि हमें ऐसे ऐसे कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत है, क्या हमें ये आप डेवलप करके दोगे क्या? राइट, तो डेफिनेटली उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगे, वो गैदर हुए होंगे, और अकॉर्डिंग टू इट गाइज बहुत सारी चीज़ें हमने एसडीएलसी देखा था, एसडीएलसी चूज़ किया गया होगा, और अकॉर्डिंग टू एसडीएलसी इनका ये एप्लीकेशन बना होगा। तो गाइज, ये जो टीसीएस की टीम है, मान के चलो लाइक वी ऑल आर वर्किंग इन अ टीसीएस, और हम लोगों के पास ये मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन आ गया। तो मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन डेवलप, टेस्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया, बट हमने टीसीएस के एनवायरमेंट में किया, टीसीएस के एनवायरमेंट में किया। तो ये जो टेस्टिंग होगा गाइस, इसको आप लोग एसआईटी टेस्टिंग बोलोगे, दैट इज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलोगे। बट गाइस, थोड़ी दिन बाद, आज के टाइम पे मेक माई ट्रिप का अपना खुद का
उन्होंने टीम बनाया होगा ना जो इस एप्लीकेशन को चेक करेगा, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग रखेगा, एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, एप्लीकेशन में नए नए फीचर्स जो आएंगे उसको इंक्लूड करेगा। इन्होंने अपना खुद का टीम बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा गाइस? नाउ टेक्निकल टीम, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग वट एवर जो टीम है, उन्होंने फॉर्म किया होगा कि नहीं किया होगा आज के टाइम में? डेफिनेटली किया होगा, राइट राइट एवरीवन। सो जो मेक माई ट्रिप का जो खुद का टीम होगा, खुद के एनवायरमेंट में वो लोग जो टेस्ट करेंगे उस एनवायरमेंट को बोलेंगे यूएटी, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये जो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, यूएटी टेस्टिंग होता है, वहां पे जाके इंस्टॉलेशन टेस्टिंग परफॉर्म होता है, वहां पे इंस्टॉलेशन टेस्टिंग परफॉर्म होता है। क्योंकि जनरली एसआईटी जो टेस्टर होते हैं, एसआईटी टेस्टर वो अपने एनवायरमेंट में टेस्टिंग करके वो एप्लीकेशन या तो यूएटी या तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब गाइज लाइव एनवायरमेंट, जैसे कि ये www या फिर https://, सॉरी /// www.makemytrip.com, ये जो www.makemytrip.com है, दिस इज अ प्रोडक्शन वर्जन, ये प्रोडक्शन एनवायरमेंट है। प्रोडक्शन मतलब गाइस जो एंड यूजर करता है, एंड यूजर जो यूज करता है, लाइव एनवायरमेंट जो यूज करता है उसको प्रोडक्शन एनवायरमेंट बोलते हैं, ओके। और जो यूएटी एनवायरमेंट होता है, यूएटी एनवायरमेंट मतलब जो क्लाइंट होता है, आपका जो स्टेक होल्डर होता है, स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट के एंड पे उनकी खुद की एक टेस्टिंग एनवायरमेंट होती है, उनका खुद का एनवायरमेंट होता है टेस्टिंग एनवायरमेंट, उसको यूएटी एनवायरमेंट बोलते हैं। और गाइस जो पर्टिकुलर कंपनीज एप्लीकेशन डेवलप करती है वहां पे एसआईटी एनवायरमेंट होता है। तो जैसे टीसीएस है, टीसीएस ने अगर ये मेक माई ट्रिप बनाया है, आई डोंट नो गाइस, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। अगर टीसीएस है, टीसीएस ने अगर एप्लीकेशन बनाया है, तो टीसीएस जो टेस्ट करेगा वो एसआईटी एनवायरनमेंट में टेस्ट करेगा। वो टेस्टिंग होने के बाद मान के चलो कि ये जो मेक माई ट्रिप है उनकी भी खुद की एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, उस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में वो खुद टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट जो एप्लीकेशन है अपने एनवायरनमेंट में टेस्ट करना चाहते हैं बिफोर बिफोर लॉन्चिंग इट, ये लाइव लॉन्च करने से पहले अगर ये खुद से लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो जो टेस्टिंग करेंगे स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट अपने एनवायरनमेंट पे जो टेस्ट करेगा उसको बोला जाता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। पर यूएटी टेस्टिंग के बाद गाइस देर इज अ प्रॉड एनवायरनमेंट विच इज नथिंग बट द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मतलब आपका लाइव एनवायरनमेंट। ये जो मेक माई ट्रिप डॉट कॉम है गाइस, ये मेक माई ट्रिप डॉट कॉम अभी एसआईटी पे है, यूएटी पे है कि प्रोडक्शन पे है? व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों को क्या लग रहा है गाइस, ये जो मेक माई ट्रिप है ये एसआईटी में है, यूएटी में है कि प्रोडक्शन में है? दिस इज नाउ अंडर द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन मतलब लाइव एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन मतलब लाइव एनवायरनमेंट। लेट मी ट्राई टू, फिलहाल गाइज मैं ये एस आई टी, यू आई टी और प्रोडक्शन के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं दे रहा हूँ, इसका इतना ही आइडिया, इसके बारे में हम लोग एक दिन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट नॉट नाउ। पहले हम लोगों को ये एक्चुअल में टेस्टिंग कंप्लीट करने थे। तो गाइज द फर्स्ट थिंग, तीन टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। एस आई टी स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये जो होता है गाइस सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके आपके जो कंपनी का एनवायरनमेंट होगा, जो टेस्ट एनवायरनमेंट होगा, उसको एसआईटी एनवायरनमेंट बोला जाता है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट इज यूएटी, यूएटी स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये जनरली क्लाइंट के पास होता है जो एनवायरनमेंट, उसको आप लोग यूएटी एनवायरनमेंट बोलते हो। और तीसरा जो होता है दैट इज नथिंग बट प्रॉड एनवायरनमेंट या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रॉड एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है गाइस दिस इज लाइव एनवायरनमेंट, इसको लाइव एनवायरनमेंट बोलोगे आप, दिस इज नथिंग बट द लाइव एनवायरनमेंट, कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाता है। तो ये तीनों एनवायरनमेंट क्लियर है गाइस सबको, एसआईटी, यूएटी एंड प्रॉड। एस आई टी फॉर एग्जाम्पल, हम लोग
ऐसे मान के चलते हैं गाइस कि अविनाश एक डेव एनवायरमेंट भी है ना, कौन सा, डेव एनवायरमेंट नहीं ये डेव एनवायरनमेंट नहीं जिसमें है, डेव मतलब डेवलप। अलग एनवायरनमेंट हो गया, डेव मतलब डेवलपर्स जो यूज करते हैं दैट इज डिफरेंट, हाँ ये हाँ डेव एनवायरनमेंट मतलब जहां पे डेवलपमेंट होता है। ये जो SIT, UAT एंड प्रॉड एनवायरनमेंट है ये अलग अलग एनवायरनमेंट है। SIT मतलब ये जनरली टेस्टर्स के लिए एनवायरनमेंट होता है कंपनी के एंड पे, जो लोग डेवलपर्स जो लोग टेस्टर्स होते हैं ये डेवलपर्स टेस्टर मिलके स्पेसिफिकली टेस्टर्स एक एनवायरनमेंट सेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर TCS है तो TCS अगर मेक माई ट्रिप का प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है तो स्पेसिफिकली मेक माई ट्रिप के डेवलपमेंट करने के लिए डेव एनवायरनमेंट अलग से क्रिएट होगा, ये डेवलपर करेंगे। और ये जो SIT एनवायरनमेंट है ये स्पेसिफिकली अलग से क्रिएट किया जाता है फॉर द टेस्टिंग पर्पज ओनली, इसमें सिर्फ टेस्टिंग होता है डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके ये TCS के एंड पे है SIT एनवायरनमेंट। और अभी अच्छा ये जो UAT है, UAT एनवायरनमेंट ये भी टेस्टिंग एनवायरनमेंट ही है बट ये क्लाइंट के एंड पे या फिर स्टेक होल्डर के एंड पे क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर मेक माई ट्रिप है तो मेक माई ट्रिप को अगर TCS ने डेवलप किया है तो TCS उसको टेस्ट करेगी SIT एनवायरनमेंट में, ये फिनिश होने के बाद ये जाएगा UAT एनवायरनमेंट में। UAT मतलब मेक माई ट्रिप अपनी खुद की टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेट करेगा और वहां पे जो टेस्टिंग होगी उसको UAT टेस्टिंग आप बोलोगे। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आपके बहुत सारे फ्रेंड IT में वगैरह होंगे वो अब्रॉड चले गए होंगे, या फिर आपने आपके रिलेटिव्स कोई ना कोई अब्रॉड चले गया गाइस, डेफिनेटली हुआ रहेगा ऐसा राइट। तो इनिशियली जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर आपका कोई फ्रेंड आपका कोई रिलेटिव कैपजेमिनी में वर्क कर रहा है, फिर लेट्स से कि वो TCS में काम कर रहा है या फिर इंफोसिस में काम कर रहा है, इनिशियली वो SIT में काम करते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और ये होने के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट को उनका काम अच्छा लगता है एंड वो चाहते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट टीम में से कोई एक पर्सन वो टेस्ट करने के लिए उनके एंड पे आ जाए, उनके कंट्री में आए, उनके जगह पे उनका जहाँ पे सेटअप है वहाँ पे जाके वो टेस्ट करे। तो यही SIT का जो टेस्टर होता है इन फ्यूचर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि आपके फ्रेंड्स UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड गए किसी कंट्री में चले गए, तो वो UAT टीम के साथ चले जाते हैं गाइज, इन फ्यूचर उनको UAT में डाला जाता है, लाइक दे गॉट शिफ्टेड टू द UAT ओनली। सो ये UAT होता है कि क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर के पास अपना खुद का एनवायरनमेंट होता है जहां पे वो लोग टेस्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द UAT टेस्टिंग। और UAT के बाद प्रॉड एनवायरनमेंट होता है, प्रॉड मतलब लाइव एनवायरनमेंट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये बुक माई शो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल बुक माई शो एप्लीकेशन, ये बुक माई शो एप्लीकेशन को लेट से इसको इन्फोसिस ने बनाया है, बट बुक माई शो के पास बुक माई शो ये जो टीम है इनके पास मान के चलो गाइज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा बुक माई शो के पास अपनी खुद की टीम होगी, बट मैसेज हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि ये जो बुक माई शो एप्लीकेशन है इनके पास अपनी खुद की टीम नहीं है, तो उस केस में UAT टेस्टिंग नहीं होता है, SIT होता है, SIT के बाद डायरेक्टली प्रॉड हो जाता है। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट? SIT, UAT और प्रोडक्शन, ये तीनों एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्लियर है? किशन, पूजा, निशा, एवरीवन, फ्रॉड SIT, एक बार UAT, फिर से प्रॉड। बतलाना ना अविनाश। प्रॉड मतलब इट इज सिंपल कि ये जो लाइव एप्लीकेशन है, ये जो बुक माई शो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड यूजर जिसको यूज करता है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होता है। लाइव एनवायरनमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक माई शो को के टिकट आप बुक कर रहे हो, ये टेस्ट कर रहे हो कि बुकिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या। अगर ये प्रोडक्शन में करोगे तो आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होंगे राइट, बट अगर SIT में करोगे तो दैट इज काइंड ऑफ डमी टेस्टिंग, तो वहां पे आपको एक्चुअली आपके अकाउंट में से कोई पैसे वगैरह डिडक्ट नहीं होने वाला है राइट, या फिर आपका कोई लॉस वगैरह नहीं होने वाला है। बट यही चीजें अगर आप प्रोडक्शन में टेस्ट करके देखोगे, प्रोडक्शन में कोई ट्रांजैक्शन, कोई बुकिंग या फिर कोई ऑर्डर वगैरह आप प्लेस नहीं करके देखोगे,
क्योंकि अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया, अगर वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है लाइव एनवायरनमेंट पे, तो वो ऑर्डर्स वगैरह आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते, या फिर आपके कंपनी को वो चार्ज देना पड़ेगा, क्लाइंट आपसे चार्ज चार्ज लेगा अगर आप प्रोडक्शन टेस्टिंग कर रहे हो, और प्रोडक्शन में अगर आप कोई गलती करोगे तो आपको चार्ज पे करना पड़ता है। गाइस इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेट्स नॉट आई मीन गो आउट ऑफ द टॉपिक, बिकॉज ये तीनों एनवायरनमेंट पे हमें डिस्कशन करना है, एटलीस्ट थोड़ा टाइम डिस्कशन हम लोग इस पर डेफिनेटली करेंगे। तो प्रोडक्शन मतलब, प्रोडक्शन इज नथिंग बट द लाइव एनवायरनमेंट, जो आपका एप्लीकेशन लाइव होता है, ये जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोडक्शन बोलोगे। और इसके ऊपर अगर मैं टेस्टिंग करूंगा तो कौन सा टाइप का टेस्टिंग रहेगा, ये कौन से एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग रहेगा, दिस विल बी ऑन अ प्रॉड एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। गॉट इट एवरीवन? तो ये तीन एनवायरनमेंट रहेंगे। तो हम लोग ये लाइव एप्लीकेशन को कभी टेस्ट नहीं करते हैं, जनरली हम लोगों के पास इसका एक डमी वर्जन होता है। डमी वर्जन मतलब, जैसे अगर ये bookmyshow.com है, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मान के चलो दिस इज अ पर्टिकुलर आपका bookmyshow एप्लीकेशन, ये bookmyshow एप्लीकेशन का आपका URL है, दिस इज ये जो URL है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये URL कुछ ऐसा रहता है लाइक दिस, ये URL ऐसा रहता है https://in.bookmyshow.com। तो ये आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। तो ये जो UAT टेस्टिंग होता है, UAT टेस्टिंग कैसे रहेगा, ये यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कहीं सर्वर पे वगैरह होस्ट करते हैं, 127.0.0 या फिर कुछ ऐसा बनाते हैं वो लोग, dummy.uat.bookmyshow.com ऐसा कुछ URL रहता है, uat.bookmyshow.com ऐसा कुछ सर्वर रहता है, डमी सर्वर रहता है, जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन अभी तक मतलब लाइव सर्वर पे होस्ट नहीं किया है, वो UAT पे ऐसे होस्ट करते हैं, सर्वर पे होस्ट करते हैं, और इस सर्वर पे टेस्ट किया जाता है, जिसको आप UAT बोलोगे। और SIT क्या होता है, SIT आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे candidate hyper mirror dot ऐसा कुछ आपको दिखेगा, bookmyshow.com ऐसे कुछ URLs आपको दिए जाएंगे। इन फ्यूचर आपको कंपनी में कैंडिडेट मिरर, फिर आपको लाइक प्रोडक्शन का URL वगैरह दिया जाएगा, प्रॉड डॉट ऐसा कुछ दिया जाएगा। सो गाइस प्रोडक्शन पे कभी भी आप एक्चुअल में फंक्शनल टेस्टिंग जो रहेगा वो ज़्यादा आप परफॉर्म नहीं करते हो, करते भी हो तो जनरली आप ओवरव्यू लेते हो, यू नेवर प्लेस ऑर्डर और नेवर डू द एक्टिविटीज़ जहाँ पे पेमेंट या फिर कुछ रियलिटी में कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आप नहीं करोगे। बाकी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर, जैसे कि ये कैंडिडेट मिरर डॉट बुक माई शो डॉट कॉम ऐसे डमी सर्वर्स जो होते हैं इसके ऊपर आप लोग टेस्ट करोगे। तो गाइज वी आर अ पार्ट ऑफ एस आई टी दैट इज़ अ सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मेजॉरिटी टेस्टर्स SIT एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इन फ्यूचर इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाता है कि आपने कौन से एनवायरनमेंट में काम किया है, तो यू वर्कड इन अ SIT एनवायरनमेंट, और SIT एनवायरनमेंट में ही आपके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म होते हैं। तो गाइज जनरली SIT में टेस्ट होने के बाद, SIT में आपका एप्लीकेशन टेस्ट होने के बाद, ये जो UAT या फिर प्रोडक्शन है, UAT या फिर प्रोडक्शन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है। सेम एप्लीकेशन जो डेव एनवायरनमेंट में था और जो SIT एनवायरनमेंट में आपने टेस्ट किया, ये एप्लीकेशन UAT में या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये जनरली UAT टेस्टर या फिर प्रोडक्शन टेस्टर जो होते हैं, ये लोग UAT या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग करते हैं, और वो टेस्टिंग करने से पहले उनको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको बोला जाता है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? ये जो प्रोडक्शन और UAT एनवायरनमेंट के जो टेस्टर्स होते हैं, ये अलग टेस्टर्स भी हो सकते हैं या फिर सेम टेस्टर भी होते हैं, बट जनरली गाइज SIT टेस्टर कभी भी UAT और प्रोडक्शन में काम नहीं करता है। अगर UAT और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप लोग काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, इट्स ऑल ओके, नो इश्यूज।
बट जनरली गाइस हम लोग एसआईटी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये जो एसआईटी टेस्टर होता है, एसआईटी टेस्टर कभी भी ये इंस्टॉलेशन टेस्टिंग नहीं करता है। बट गाइस ये जो यूएटी या फिर प्रॉड एनवायरनमेंट के टेस्टर होते हैं, दे मे बी और दे मे नॉट बी दे मे बी और दे मे नॉट बी डूइंग दिस इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। वो कर भी सकते या फिर कर वो नहीं भी करेंगे, दैट इज समथिंग द डिफरेंट टॉपिक। बट इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एसआईटी टेस्टर कभी भी नहीं होता। जनरली ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है ये यूएटी में होता है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन अ यूएटी या फिर ये प्रॉड एनवायरनमेंट में, प्रॉड एनवायरनमेंट में टेस्ट होता है। दिस टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन यूएटी, यूएटी एनवायरनमेंट या फिर प्रॉड एनवायरनमेंट, प्रॉड एनवायरनमेंट में इसका टेस्टिंग होता। बस जनरली ये टेस्टिंग किया जाता है कि आपका एप्लीकेशन टेस्ट मतलब इंस्टॉल करते टाइम, गाइस मान के चलो जैसे आप एपीके कोई इंस्टॉल कर रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, जैसे आपने जेडीके डाउनलोड किया होगा, इक्लिप्स डाउनलोड किया होगा और उसको आप इंस्टॉल कर रहे होंगे आप अपने मशीन में, आपके सिस्टम में, तो वो जो इंस्टॉलेशन है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो रहा है क्या, इसको टेस्ट करना, इसका मतलब है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। और जनरली हमें ये चीज़ें एसआईटी एनवायरनमेंट में कभी नहीं करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग जो है ये यूएटी एनवायरनमेंट या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है। एसआईटी टेस्टर कभी भी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते हैं, जनरली एसआईटी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते हैं। आपने ये टेस्टिंग किया है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गाइस आप बोल दो डायरेक्टली वी haven't या फिर I haven't decide, I haven't like I never performed, आप ऐसे बोल सकते हो कि we never performed this type of testing, you haven't performed this type of testing, आपने ये testing कभी भी perform नहीं किया है, directly आप लोग बोल दोगे never, like we never performed this type of testing। सब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सिंपल आंसर होना चाहिए कि दैट आई हैवंट परफॉर्म इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एट ऑल। ओके एवरीवन, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग मतलब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चेक किया जाएगा कि एप्लीकेशन इंस्टॉल होते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रहा है ना, ये टेस्ट किया जाता है, जिसको बोला जाता है जो टेस्टिंग है दैट इज अ इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग? परितोष, रेवती, ऑल गुड, क्लियर राइट? इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, ऑलराइट। आफ्टर द इंस्टॉलेशन टेस्टिंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेस्टिंग। द नेक्स्ट टेस्टिंग इज पैरेलल टेस्टिंग। पैरेलल टेस्टिंग, तो ये जो पैरेलल टेस्टिंग है अगेन गाइस ये भी टेस्टिंग जनरली एसआईटी टेस्टर कभी परफॉर्म नहीं करता है। अगेन ये भी टेस्टिंग आपको परफॉर्म नहीं करनी है, पैरेलल टेस्टिंग। पैरेलल टेस्टिंग मतलब क्या है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये पैरेलल टेस्टिंग कहाँ पे होती है? पैरेलल टेस्टिंग जनरली यूएटी एनवायरनमेंट, यूएटी टेस्टर जो होता है, ये अगेन यूएटी टेस्टर पैरेलल टेस्टिंग को परफॉर्म करता है। पैरेलल टेस्टिंग को यूएटी टेस्टर करता है। गाइस मुझे बताओ, अगर कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स एप्लीकेशन ले रहा हूँ मैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये अगर अमेज़न है, तो अमेज़न जैसा कोई एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्या? ई कॉमर्स एप्लीकेशन की अवेलेबल है गाइस? अमेज़न को कंपटीशन है कि नहीं है? है राइट? अमेज़न जैसा, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, जबोंग हो गया, राइट? वट एवर गाइस, जो भी मीशो वगैरह आजकल आ गए हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है गाइस, जैसे अमेज़न है, तो अमेज़न के पास कौन से फीचर्स अवेलेबल है, अमेज़न के पास कौन से फीचर्स अवेलेबल है, और अमेज़न के जो कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जाम्पल अमेज़न के जो कॉम्पिटिटर्स है फ्लिपकार्ट पे क्या अलग फीचर्स अवेलेबल है, मिंत्रा पे क्या अलग फीचर्स अवेलेबल है, लेट्स से मीशो पे क्या अलग अलग आपके फीचर्स अवेलेबल है,
जबोंग पे क्या अलग फीचर्स अवेलेबल है, ये चेक किया जाता है। ये गाइस जो बोलते हैं ना कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स की स्टडी और कॉम्पिटिटर्स के एप्लीकेशन और उनके एप्लीकेशन कितना अच्छा चल रहा है ये टेस्ट करना, क्या ये हम लोग ये चीजें हम लोग करेंगे गाइस? डू यू रियली थिंक कि ये चीजें हम लोग करेंगे? नो राइट, नॉट रियली। हमें हमें इसके लिए हायर नहीं किया गया है, हमें फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हायर किया गया है। तो फंक्शनल के साथ जो हमें नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करने है उसके लिए हमें हायर किया है, कॉम्पिटिटर्स का स्टडी करने के लिए नहीं किया है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे कि गाइस फोन पे है, फोन पे के जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, तो ये जो कॉम्पिटिटर्स है गाइस, फोन अगर आप फोन पे के लिए टेस्टिंग करते हो तो फोन पे का फंक्शनल टेस्टिंग करोगे क्योंकि आप एसआईटी टेस्टर हो, यू आर अ एसआईटी टेस्टर, यू आर नेवर गोइंग टू बी इन अ यूएटी या फिर प्रॉड एनवायरनमेंट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बिकॉज हम लोग मेजॉरिटी एसआईटी टेस्टिंग है और हम लोग एसआईटी टेस्टिंग के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, यूएटी और प्रोडक्शन का नहीं करेंगे। बट गाइज अगर फोन पे की टीम है, फोन पे की टीम एनालाइज करती है कि पेटीएम के साथ पास कौन से अलग फीचर अवेलेबल है, मोबीक्विक के पास कौन से अलग फीचर अवेलेबल है, लेट्स से जो आपका गूगल पे है, गूगल पे के पास कौन सा अलग फीचर है, अमेजोन पे के पास कौन सा फीचर अलग 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 फीचर्स अवेलेबल है, ये आप चेक करते हो, दैट इज समथिंग पैरेलल टेस्टिंग। और ये जो पैरेलल टेस्टिंग है गाइस ये यूएटी टेस्टर का काम है, यूएटी टेस्टर या फिर आपके ये जो जनरली जो आपके प्रोडक्ट ओनर टीम होती है, प्रोडक्ट ओनर्स वगैरह जो होंगे या फिर जो आपकी स्टेक होल्डर की टीम होगी उनका इंटरेस्ट होगा, उनकी उनको उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटर्स का स्टडी एंड ऑल, दैट इज़ नॉट योर पार्ट। सो जनरली वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस पैरेलल टेस्टिंग। सो पैरेलल टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग 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 सिमिलर एप्लीकेशन, यस टेस्टिंग आर एप्लीकेशन, करेक्ट टेस्टिंग आर एप्लीकेशन विद विद या फिर अगेंस्ट 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 कॉम्पिटिटर्स, अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स, राइट एवरीवन, जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से आप लोग टेस्ट करोगे, टेस्टिंग आर एप्लीकेशन अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और एप्लीकेशन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के साथ आप अपना एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे, चेक करोगे कि आपका एप्लीकेशन स्लो है कि उनका एप्लीकेशन स्लो है, उनका एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली है कि हमारा एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली है, उनका यूआई अच्छा है कि हमारा यूआई अच्छा है, किसका लुक एंड फील अच्छा है, कौन सा इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सारी चीज़ें हो सकती है गाइस इसमें पैरेलल टेस्टिंग में। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पैरेलल टेस्टिंग। द टेस्टिंग आर एप्लीकेशन अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द पैरेलल टेस्टिंग, ठीक है गाइस? ये पैरेलल टेस्टिंग होता है। जनरली UAT tester performs this type of testing. ये UAT tester perform करता है। Again guys, directly बोल दो कि हमने कभी ये testing perform नहीं किया। I haven't performed this type of testing in my career. Definitely बोल दो, कोई problem नहीं है। कोई क्वेश्चन गाइस इन दोनों टेस्टिंग में, इंस्टॉलेशन एंड पैरेलल टेस्टिंग में? एनीवन? इंस्टॉलेशन एंड पैरेलल टेस्टिंग। अभी गाइस मुझे बताओ, अगर अगर आप वेब एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहे हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह है, तो आपको शायद इंस्टॉलेशन टेस्टिंग करना पड़ सकता है ना गाइस? अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, iOS एप्लीकेशन है, या फिर आपका ये जो
डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, ये आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? यस और नो? यस और नो? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़ेगा। यस करेक्ट, नहीं करना पड़ेगा। यही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें ये करना पड़ेगा। नो, हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे सिर्फ हमारे एसआईटी एनवायरमेंट में, बाकी किसी प्रोडक्शन या फिर यूएटी एनवायरमेंट में जाके हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे क्या गाइस? अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले से ही ये माइंड से हटा दो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। अगर वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो आपका आईओएस एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो वेब एप्लीकेशन या फिर हाइब्रिड एप्लीकेशन, जो भी मर्जी का एप्लीकेशन हो गाइस, सिंपली वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म दिस इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड नाइदर योर पैरेलल टेस्टिंग। ये दोनों भी टेस्टिंग हम लोग डेफिनेटली हम लोग नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल वी आर अ यूएटी टेस्टर। अगर हम लोग यूएटी टेस्टर है तो हम लोग ये हमें करना पड़ सकता है, बट एसआईटी टेस्टर को, एसआईटी टेस्टर को डेफिनेटली गाइज ये चीज़ें परफॉर्म नहीं करनी है। अपने परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर दो, इंस्टॉलेशन एंड पैरेलल टेस्टिंग हम लोग कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। एनी क्वेश्चन हियर? वर्षा, पूजा, क्लियर है ये दोनों टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड पैरेलल? ये हमारा पार्ट नहीं है, स्टिल वी शुड हैव अ आइडिया। गलती से उड़ते उड़ते आपको एक हाथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट इट, एटलीस्ट आप एक दो चीजें उस पर बोल सको, इतना आपके पास कॉन्फिडेंस डेफिनेटली होना चाहिए। दैट्स द रीजन गाइस हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, पैरेलल एंड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज गाइस, द नेक्स्ट वन इज इंटर सिस्टम टेस्टिंग। हमने इंटर सिस्टम टेस्टिंग को यहाँ पे नोट किया था, राइट एवरीवन? यस, इंटर सिस्टम टेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। ये दो टेस्टिंग हमारे बाकी है, लेट्स डिस्कस अबाउट बोथ बोथ ऑफ दीज टेस्टिंग। इंटर सिस्टम टेस्टिंग। तो ये जो इंटर सिस्टम टेस्टिंग है, ये जो इंटर सिस्टम टेस्टिंग है गाइज, वर्ड से ही आपको समझ रहा होगा, इंटर सिस्टम टेस्टिंग। तो इंटर सिस्टम टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आपके एप्लीकेशन पे गाइज, फॉर एग्जाम्पल ये अमेजोन है, तो अमेजोन का जो पेमेंट गेटवे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का रेजर पे का पेमेंट गेटवे होगा, फोन पे का या फिर अमेजोन पे का उनका खुद का पेमेंट गेटवे अगर होगा, तो अमेजोन एंड आपका जो अमेजोन पे है, ये दो अलग अलग सिस्टम्स है, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है क्या? इंटर सिस्टम, दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है क्या? दोनों में डेटा एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, सिंपल सा एग्जाम्पल, आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो, आप डेबिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं ना गाइस कि नहीं कर सकते? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट, तो जैसे डेबिट कार्ड पेमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, तो आप जैसे ही कार्ड नंबर एंटर करोगे, सीवीवी एंटर करोगे, आपका एक्सपायरी डेट एंटर करोगे, तो आप अपने बैंक के पेमेंट गेटवे के पेज पे चले जाते हो कि नहीं चले जाते हो गाइस? यस और नो? जैसे आपका एसबीआई का अगर अकाउंट है तो एसबीआई का पेज ओपन हो जाता है, राइट, जिसपे ओटीपी हमें एंटर करना होता है, यस और नो? देखा है गाइस सब लोगों ने, राइट? सो जैसे अभी एसबीआई का पेज है, एसबीआई का पेज एंड हमारा एप्लीकेशन, ये एक दूसरे के साथ डेटा प्रॉपरली एक्सचेंज कर पा रहे हैं क्या? एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है क्या? ये चेक करना, इसको बोला जाता है इंटर सिस्टम टेस्टिंग। या फिर फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल गाइज, यहाँ पर आप फंक्शनल टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, इसमें कन्फ्यूज मत होना। ऐसा ही सेम हम लोगों ने सर्विस कवरेज टेस्टिंग देखा था, सर्विस कवरेज टेस्टिंग और इंटर सिस्टम टेस्टिंग में कन्फ्यूज मत हो जाना। सर्विस कवरेज टेस्टिंग में आप लोग फंक्शनल टेस्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू डू द फंक्शनल टेस्टिंग, बट इंटर सिस्टम टेस्टिंग में आप लोग फंक्शनल टेस्टिंग नहीं करोगे, जस्ट आप चेक करोगे कि दो अलग अलग अगर एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन में अगर दो अलग अलग सिस्टम्स है, तो वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है क्या? दोनों में डेटा एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं अभी पेटीएम के वेबसाइट पे चले जाता हूँ, अगर मैं पेटीएम के वेबसाइट पे चले जाऊँगा, तो लेट्स से गाइस, अगर मैंने वहाँ पर, मुझे
डीटीएच का या फिर टाटा स्काई का रिचार्ज करना है, मैं टाटा स्काई का अपना ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करता हूँ कि आई नीड टू डू द डीटीएच रिचार्ज, उसमें मैं टाटा स्काई का यू नो ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, टाटा स्काई का कस्टमर आईडी या फिर यूजर आईडी व्हाटएवर मैं एंटर कर देता हूँ। गाइस जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे टाटा स्काई के जो रिचार्ज प्लान्स अवेलेबल है, रिचार्ज के जो ऑप्शंस अवेलेबल है, उसका डेटा मुझे प्रॉपरली शो करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? यस और नो एवरीवन? तो दैट अगर हम लोगों ने टाटा स्काई सिलेक्ट किया है तो टाटा स्काई का डिटेल्स डेटा प्रॉपरली फेच हो रहा है क्या, ये चेक करना। अलग अलग सिस्टम्स गाइस, इंटर सिस्टम, अगर आपके एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा सिस्टम्स अगर अवेलेबल है तो वो सारे जो सिस्टम्स है एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या, प्रॉपरली एक दोनों के साथ डेटा एक्सचेंज हो रहा है क्या, ये चेक करना, इसको बोला जाता है इंटर सिस्टम टेस्टिंग। इंटर सिस्टम टेस्टिंग में गाइस आप लोग कोई भी कोई भी फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करोगे, जस्ट हाई लेवल ओवरव्यू देखोगे कि दोनों एप्लीकेशन में प्रॉपरली डेटा एक्सचेंज हो रहा है क्या। और गाइज आज के टाइम में इंटर सिस्टम टेस्टिंग इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं होता है क्योंकि सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग में ही आप इंटर सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म कर देते हो, इसीलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बट गाइज इंटर सिस्टम टेस्टिंग अगर आपको कोई स्पेसिफिकली पूछेगा तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वी टेस्ट आर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज कनेक्टेड विथ अदर सिस्टम्स प्रॉपरली प्रॉपरली और नॉट, लाइक आपका एप्लीकेशन दूसरे सिस्टम्स के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, ये टेस्ट करना, इसको आप लोग बोलोगे दैट इज इंटर सिस्टम टेस्टिंग, इसको आप लोग इंटर सिस्टम टेस्टिंग बोलोगे। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वी टेस्ट आर एप्लीकेशन इज कनेक्टेड विथ अदर सिस्टम्स लाइक प्रॉपरली इट इज कनेक्टेड विथ अदर सिस्टम्स और नॉट, दैट इज समथिंग इंटर सिस्टम टेस्टिंग, ये आपका इंटर सिस्टम टेस्टिंग होगा। गाइस इंटर सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हैं डेटा एक्सचेंज इन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स और एप्लीकेशंस, इन बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम्स और एप्लीकेशन इज हैपनिंग प्रॉपरली और नॉट। डेटा यू टेस्ट, वी टेस्ट डेटा एक्सचेंज इन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स और एप्लीकेशन, इसमें हम लोग डेटा एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा है कि ये हम लोग चेक करके देखते हैं। दिस इज नथिंग बट द इंटर सिस्टम टेस्टिंग। क्या हम लोग इंटर सिस्टम टेस्टिंग किए हैं या फिर करते हैं? तो येस गाइस इंटर सिस्टम टेस्टिंग हम लोग डेफिनेटली करते हैं। ये सिर्फ दो टाइप की टेस्टिंग है, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और पैरेलल टेस्टिंग, जिसको SIT टेस्टर नहीं करता है, बट इंटर सिस्टम टेस्टिंग गाइस हमें डेफिनेटली करके देखना पड़ता है कि आपका एप्लीकेशन दूसरे सिस्टम के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, दो सिस्टम्स के बीच में गाइस डेटा प्रॉपरली एक्सचेंज हो रहा है क्या, ये आप लोग जाके आप खुद टेस्ट करके देखते हो। गॉट इट एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? वो टर्म को क्या बोलते हैं जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको सर्विस लेवल कवर, जो आप फंक्शनल का बोल रहे हो, राइट? नहीं कि जैसे कि पेटीएम और फ्लिपकार्ट दोनों इंटीग्रेटेड है, वो टेस्टिंग को हम लोग क्या बोल रहे थे पहले, क्लिक नहीं हो रहा हम। दैट इज समथिंग आप इंटर सिस्टम टेस्टिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। यस करेक्ट, कि जैसे आपका अमेजोन है, अमेजोन के पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे पे आप जो अमेजोन का साइट है उस पे अमेजोन पे का पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट करोगे, दैट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आपके एप्लीकेशन में कोई सिस्टम इंटीग्रेटेड है, वो इंटीग्रेटेड सिस्टम को आप टेस्ट करते हो, दैट इज अ इंटर सिस्टम टेस्टिंग। गॉट इट? गॉट इट। इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन डेवलपर करेगा, डेवलपमेंट का पार्ट डेवलपर करेगा, हमारा पार्ट है सिर्फ ऑलरेडी वो इंटीग्रेटेड है, हमें उसको टेस्ट करना है, तो हम लोग उसको उसको इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको इंटर सिस्टम टेस्टिंग बोलेंगे।
गॉट इट गाइस? निशा कुछ क्वेश्चन? रेवती, किशन, मुझे वापस समझाना है क्या बोल। ओके सो ये जो इंटर सिस्टम टेस्टिंग जो है, इंटर सिस्टम टेस्टिंग का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। कि देखो ये जो डेवलपर होगा, फॉर एग्जांपल कहाँ पे हमें एग्जांपल मिल जाएगा, लेट्स से अमेज़न पे ही चले जाते हैं हम लोग। इस अमेज़न पे गाइस लेट मी ट्राई टू शोकेस, कुछ हमें चीज़ें मिल रही है क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके गाइस समीर हियर, आपको प्रॉड वगैरह दिख रहा है ये एवरीवन? ये प्रॉड, व्हाट इज दिस प्रॉड गाइस? ये प्रॉड मतलब क्या है? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, बिकॉज ये एप्लीकेशन लाइव है, दैट्स द रीजन उन्होंने ऐसा कुछ प्रॉड वगैरह नेम दिया है यहाँ पे। ओके तो ओके शायद इफ आई कैन शो यू दैट, रवि यू आर देयर? ओके लेट मी ट्राई टू लॉग इन गाइस। ओके इट्स ऑलरेडी लॉग्ड इन, फाइन, दैट्स रियली फाइन। सो गाइस दिस इज पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये हमारा पेटीएम का एप्लीकेशन है। लेट्स से मैं पेटीएम, ओके ऑलराइट गाइस, फॉर एग्जांपल मैं, जैसे कि ये रिचार्ज है, प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज है, तो हियर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे गाइस आपको अगर आप देखोगे तो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं डीटीएच सिलेक्ट कर रहा हूँ तो DTH में I'll be having बहुत सारे options, right everyone? यहाँ पे बहुत सारे options मुझे मिल जाएंगे, जैसे कि ये टाटा प्ले है, एयरटेल है, DTH है, D2H है। सो फॉर एग्जाम्पल गाइज ये जो पर्टिकुलर टाटा स्काई है या फिर टाटा प्ले है, एयरटेल का जो DTH है, डिश टीवी जो है, देन D2H जो है, ये जो सिस्टम्स है ये ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में इंटीग्रेटेड है। ये इंटीग्रेशन किसने किया है? तो ये डेवलपर ने आपको ऑलरेडी करके दिया है। डेवलपर हैज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड दिस डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स इनटू योर एप्लीकेशन। तो गाइस दीज ऑल सिस्टम्स हैव बीन ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इनटू योर एप्लीकेशन। नाउ आपको इंटर सिस्टम टेस्टिंग करना है कि ये प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है क्या, इनका इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कि आपने यहाँ पे टाटा प्ले का ऑप्शन तो दिया है, बट टाटा प्ले का अगर मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर सब्सक्राइबर आईडी अगर डालूंगा और अगर मुझे टाटा प्ले का कोई डेटा ही अगर फेच नहीं होगा, तो वो गाइस कुछ समथिंग इज रॉन्ग। कि आपका इंटर सिस्टम टेस्टिंग में आफ्टर एंटरिंग टाटा प्ले का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड सब्सक्राइबर आईडी, यू आर नॉट एबल टू फेच एनी डेटा फ्रॉम टाटा प्ले का जो सर्वर है, टाटा प्ले के सर्वर से या फिर टाटा प्ले के डेटाबेस से कोई डेटा आपको एक्सचेंज नहीं हो रहा है। You are not able to see any kind of data. So ये इसको आप बोलोगे इंटर सिस्टम टेस्टिंग। तो इंटर सिस्टम टेस्टिंग का मीनिंग इज़ वेरी सिंपल, कि आप लोग सिंपली यू विल टेस्ट योर एप्लीकेशन। कि आप अपना एप्लीकेशन जाके टेस्ट करोगे कि इसमें अलग अलग जो एप्लीकेशन है, दीज एप्लीकेशन आर वर्किंग प्रॉपरली फाइन और नॉट, दैट यू नीड टू, जस्ट अ मिनट, I think I need to refresh this one. Okay. So here, if you guys can observe it, यहाँ पर आपको देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी सर्विसेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। इफ आई वुड बी एबल टू सी हियर गाइस, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह है समथिंग, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अगर आप देखोगे ये असेट्स cdn1.paytm.com गाइस, ये कुछ तो असेट्स CDN करके उन्होंने एक फीचर, एक कोई एप्लीकेशन इंटीग्रेट किया है इनटू योर गाइस, आप लोगों के स्पेसिफिकली आपके सिस्टम्स के अंदर, पेटीएम के अंदर गाइस इन्होंने कुछ ना कुछ ये अलग अलग सिस्टम को, जैसे अगर देखोगे तो ये फॉन्ट, आपका फॉन्ट स्टाइल शोकेस करने के लिए उन लोगों ने कुछ सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। कि आपका जो आपके सिस्टम में, आपके एप्लीकेशन में अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन
आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो वो प्रॉपरली कनेक्टेड है क्या, इन दोनों के बीच में प्रॉपरली डेटा एक्सचेंज हो रहा है क्या, ये चेक करना गाइस। दिस इज समथिंग, अगर आप देखोगे तो ये असेट्स सीडीएन जो है, ये पेमेंट गेटवे वगैरह बनाया है इन्होंने, या फिर इन्होंने गेटवे बनाया है, जो गेटवे अलग अलग डीटीएच या फिर जो अलग अलग डिश टीवीज के कंपनीज है, इनके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ उन्होंने ये जो सिस्टम्स है इनको कनेक्ट किया है, अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया है। तो आपका काम गाइस ये इंटीग्रेशन प्रॉपरली है क्या, ये चेक करना। इन दिस इज योर वर्क इनसाइड द इंटर सिस्टम टेस्टिंग। इंटर सिस्टम टेस्टिंग में आप लोग जाओगे, यू विल चेक कि इफ योर एप्लीकेशन इज कनेक्टेड विथ एनी अदर सिस्टम, सो दैट सिस्टम इज एबल टू कम्युनिकेट विथ योर सिस्टम एंड योर सिस्टम इज एबल टू कम्युनिकेट विथ अदर सिस्टम और नॉट। डेटा एक्सचेंज इन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स आर हैपनिंग प्रॉपरली फाइन और नॉट, दैट यू आर गोइंग टू टेस्ट इन अ इंटर सिस्टम टेस्टिंग। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है अभी? परितोष, रवि, अदर्स, क्लियर है ये इंटर सिस्टम टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट इज यस सर। वेरी 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 सिंपल, दैट इन अ इंटर सिस्टम टेस्टिंग वी हैव टू टेस्ट आर एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन विथ अदर सिस्टम्स और नॉट, दैट इज इंटर सिस्टम टेस्टिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, आई थिंक लास्ट वन इज योर ओके नो लाइक वी लेफ्ट विथ सैनिटेशन टेस्टिंग एज वेल। लेट्स डिस्कस अबाउट सैनिटेशन टेस्टिंग, ये लास्ट टेस्टिंग आज हम लोग करते, रेस्ट हम लोग बाकी कल देख लेंगे। सैनिटेशन टेस्टिंग, सैनिटेशन टेस्टिंग, सो गाइस सैनिटाइजर आपने सुना होगा राइट? आज के टाइम में सैनिटाइजर इज मस्ट नीड राइट, या फिर कोविड के टाइम पे क्या काम करता है गाइस सैनिटाइजर? व्हाट इज द वर्क ऑफ सैनिटाइजर? डिसइन्फेक्शन, डिसइन्फेक्शन राइट, को रोकना राइट, सिंपल। या फिर जो जर्म्स या फिर जो चीज़ें हैं हमारे, लेट्स से हमारे लाइक जो हैंड्स होते हैं, जो हमारा सरफेस होता है, ये कहीं पे भी टच होता है राइट, यहाँ पर कुछ जर्म्स हो सकते हैं जो हमारे जो हैंड का सरफेस है उस पर हमारे सरफेस पे रह जाए, और वही उसी का सेम कांटेक्ट, उसी जर्म्स का कांटेक्ट हमारे इंटरनल सिस्टम के साथ डायरेक्टली हो। तो सैनिटाइजर क्या करता है कि वो जर्म्स को हमारे हमसे अलग कर देता है, डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन को हमें रोकता है राइट एवरीवन। सैनिटेशन सेम वे सैनिटेशन टेस्टिंग है, कि सैनिटेशन टेस्टिंग का काम क्या है कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपके एप्लीकेशन में कोई अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनका ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आपके एप्लीकेशन में प्रेजेंट है तो इनको सिस्टम में से रिमूव करना, इसको आप बोलोगे सैनिटेशन टेस्टिंग। सैनिटेशन टेस्टिंग मतलब गार्बेज वैल्यूज हो गए, गार्बेज फीचर्स हो गए, अननेसेसरी फीचर्स हो गए, जिसको गाइस मुझे बताओ, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के बारे में फंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करनी है, सबसे पहले आप लोग किसको रेफर करते हो? यू रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन राइट एवरीवन, यस और नो? हम लोग किसको रेफर करते हैं टेस्टिंग करने से पहले? जो हमें यूजर स्टोरी असाइन हुआ है, उस यूजर स्टोरी में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है एंड डिस्क्रिप्शन मेंशन है, इसको रेफर करते हैं कि नहीं करते गाइस? बीइंग टेस्टर वी हैव टू रेफर इट राइट। और अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कोई चीजें नहीं दी है, कोई चीजें नहीं दी है, फिर भी वो चीजें डेवलपर गलती से आपके एप्लीकेशन में डेवलप कर रहा है, आपके एप्लीकेशन में उन चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है, क्या उन सारी चीज़ों को जिसको एंड यूज़र को उसकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक गाइस? जो आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आपके एप्लीकेशन में गलती से डेवलपर ने ऐड कर दी या फिर डेवलप कर दी, तो उसको सिस्टम में से रिमूव करना चाहिए कि नहीं चाहिए? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग इज हियर गाइस? आपका अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा है कि वो सारी चीजों को सिस्टम से रिमूव करना चाहिए कि उसको वैसे ही रखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? रिमूव करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, दैट्स इट। तो ये जो टेस्टिंग आप लोग करते हो, दिस इज नथिंग बट द सैनिटेशन टेस्टिंग।
सैनिटेशन टेस्टिंग इज वेरी सिंपल. इन अ सैनिटेशन टेस्टिंग यू आर गोइंग टू चेक कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी फीचर्स इंक्लूड किए हैं डेवलपर ने, तो उसको रिमूव कर देना. तो गाइस, जैसे मोबाइल नंबर है, ये मुझे मोबाइल नंबर का, इस मोबाइल नंबर पे मुझे रिचार्ज करना है. तो जनरली गाइस, ये जो मोबाइल नंबर फील्ड है, इस मोबाइल नंबर फील्ड के सामने प्रीफिक्स वगैरह होता है, आपने देखा होगा राइट. प्लस 91 का प्रीफिक्स होता है कहीं कहीं पे, देखा है क्या गाइस आप लोगों ने प्लस 91 वाला एवरीवेयर? यस यस सर. तो गाइस, ये पेटीएम वैसे भी इंडिया में यूज होता है, पर इंडिया में प्लस 91 लगाने की जरूरत है क्या? इज दैट अ नीड? इज देयर एनी नीड गाइस? कोई जरूरत है क्या मुझे यहाँ पे प्लस 91 लगाने की? नो राइट. एंड स्टिल अगर डेवलपर ने यहाँ पे प्लस 91 के लिए प्रीफिक्स वाला बॉक्स ऐड कर दिया, और ऐसा कहीं पे अगर आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन में आपके आपके पास जो गाइस SRS डॉक्यूमेंट था, SRS डॉक्यूमेंट में कहीं पे मेंशन ही नहीं है ऐसी चीज़ें, तो क्या ऐसे फीचर्स को आप इंक्लूड करना चाहोगे आपके एप्लीकेशन में? तो नो. आपका आंसर होना चाहिए कि बीइंग टेस्टर, अगर आपको कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें नहीं है, ऐसी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें अगर आपको एप्लीकेशन में मिल गई, तो आपका काम है गाइस जस्ट गो एंड इन्फॉर्म अ डेवलपर दैट दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द मेंशन्ड इन अ SRS डॉक्यूमेंट, और दिस इज नॉट मेंशन्ड इन अ आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन. प्लीज रिमूव इट इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आप इसके रिलेटेड बग या फिर रिलेटेड आप एक कोई रिपोर्ट रेज करना है, आपको बग रेज करना है कि ये अननेसेसरी चीज़ें आपने इंक्लूड करी है आपके एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन में, प्लीज़ रिमूव इट, वी डोंट रिक्वायर इट. और क्रॉस वेरीफाई दिस थिंग विथ प्रोडक्ट ओनर कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है क्या. अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे अगर प्रोडक्ट ओनर को भी लगता है, तो गाइज प्लीज़ गो एंड प्लीज़ रेज दिस कंसर्न टू द डेवलपमेंट टीम कि ये आपने अननेसेसरी चीज़ें इंक्लूड करी है एप्लीकेशन में, और इसको मैंने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शन भी मैच से भी मैच किया है, और ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट ओनर के साथ भी इसका कंफर्मेशन लिया है कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, प्लीज़ रिमूव इट. गॉट इट एवरीवन? सैनिटेशन टेस्टिंग गाइस, क्लियर है क्या ये सैनिटेशन टेस्टिंग? सो इन अ सैनिटेशन टेस्टिंग, इन this type of non functional testing, in this type of non functional testing we remove unwanted features ya fir garbage features, अनवॉन्टेड फीचर्स या फिर गार्बेज फीचर्स और गार्बेज वैल्यूज को आप लोग रिमूव करते हो. वी रिमूव्स अनवॉन्टेड फीचर्स, गार्बेज फीचर्स या फिर गार्बेज वैल्यूज, या फिर वी टेस्ट इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, वी टेस्ट वेदर unwanted feature, garbage feature or a garbage values are present on in an application or not. अगर वो present है तो इनको remove कर दो. We test whether our application consists unwanted feature, garbage features या फिर garbage values और नॉट. अगर ये कंटेन करता है, इफ अनवांटेड फीचर्स आर प्रेजेंट इन एन एप्लीकेशन देन वी रिपोर्ट्स दिस टू डेवलपमेंट टीम टू remove such unnecessary features को रिमूव करने के लिए आप लोग डेवलपमेंट टीम को रिपोर्ट करते हो या फिर इन्फॉर्म करते हो. दैट्स इट एवरीवन.
सो दिस इज योर सैनिटेशन टेस्टिंग।